नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियान न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। किरार धाकड़ क्षत्रिय समाज का हुआ सम्मान समारोह आयोजित। मानस भवन में किरार धाकड़ क्षत्रिय महासमाज द्वारा समाज के छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर समाज के अधिकारी व समाज जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इसमें समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। ये स्मारिका हमारे समाज के ऐसे लोगों को आईना है जो हमारे लिए समय समय पर सहयोग प्रदान करते हैं, मार्गदर्शन पत्रिका में किया है और साथ ही उल्लेख किया है कल के भविष्य समस्त प्रतिभाओं का जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर अव्वल स्थान प्राप्त किया है। और उनके ऊपर ध्यान रखें जिससे वो समय रहते बहुत अच्छे स्थान का चयन करें। आज इस कार्यक्रम को हमारे संयोजकों ने इतना अच्छा यादगार कार्यक्रम बनाया, मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा और इन सभी अभाव का। चौथा स्थान कुमारी सोनम दास। इसी क्रम में अगला पुरस्कार शालिनी किरा। माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे कलाकार। नवदुर्गा महोत्सव को मात्र 2 दिन शेष बचे हैं। 10 तारीख से नवरात्र महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा, जिसके तहत माता की मूर्ति बनाने वाले कलाकार माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे हैं। चुनाव कार्यक्रम घोषित, प्रभावी हुई आदर्श आचार संहिता। प्रदेश में नवंबर को होगी वोटिंग, 11 दिसंबर को आएंगे नतीजे। बाधा रहित चुनाव कराने का उद्देश्य, विकलांगों के लिए होंगे विशेष इंतजाम। निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। प्रदेश में मतदान 28 नवंबर को और मतगणना 11 दिसंबर को होगी। 15 दिसंबर से पहले चुनावी प्रक्रिया पूर्ण करा ली जाएगी। कलेक्टर विजय दत्ता ने शुक्रवार को शाम 5 बजे पत्रकार वार्ता आयोजित कर चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सारी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा व कानून व्यवस्था से लेकर सभी पुलिस व प्रशासन मुस्तैद हैं और अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारियों का बंटवारा भी किया गया है। निर्वाचन में ड्यूटी देने वाले सभी अधिकारी व कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी पूर्ण की गई है और उन्हें अपना अपना काम भी सौंप दिया गया है। हर रोज के कार्य की रिपोर्टिंग होगी, इसके अनुसार आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इस दौरान अपर कलेक्टर ए के चांदिल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश जैन भी उपस्थित रहे। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए आदतन अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, स्थायी व फरार वारंटियों की धरपकड़ का अभियान जारी है। इसके साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट व आबकारी विभाग की कार्रवाई भी चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने गुना की 2 सीटों को संवेदनशील घोषित किया है, जिसमें राधोगढ़ विधानसभा सीट एवं चांचौड़ा विधानसभा सीट शामिल है। आइए आपको बता दें हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव का कार्यक्रम। नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी 2 नवम्बर से। नामांकन की अंतिम तिथि 9 नवंबर रखी गई है। नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को होगी। नाम वापसी की दिनांक 14 नवंबर निर्धारित की गई है। वहीं मतदान 28 नवंबर को होगा एवं मतगणना 11 दिसंबर को होगी। 28 नवंबर 2018 विधानसभा और निर्वाचन 2018। आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए जिले की सारी इन्फॉर्मेशन हम एक एक करके दें। जिले में कुल 4 विधानसभा है, जैसे कि आप जानते हैं विधानसभा क्रमांक 28 धुंधुरी, 29 गुना रिजर्व, 30 चाचौड़ा और विधानसभा क्रमांक 31 राघोगढ़। कुल मतदान केंद्र 1,065 है, 1,065 और वोटर्स 8,12,536। ये जानकारी हम आपको डिस्ट्रिक्ट के प्रेस नोट में भी जानकारी दे देंगे। इसके साथ ही कुछ अन्य चीजें हैं जिनकी जानकारी हम सार्वजनिक रूप से आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। इस बार ये चुनाव जो है एक्सेसिबल यानी बिल्कुल आधार रहित चुनाव कराने की एक मंशा है चुनाव आयोग की और हम सभी ने इससे काफी मेहनत किया है।
जिले में लगभग 3,962 ऐसे दिव्यांग व्यक्ति हैं, ये विजुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अन्य प्रकार के जो फिजिकल डिसेबिलिटी है वो सारी हमने उनकी आकलन भी कर लिया है और उनके हिसाब से लाइट्स क्लब, रोटरी क्लब, अन्य जिले में जितने जैसे क्लब एक्सेट्रा है, सभी क्लब्स और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से हम लोगों की मदद लेंगे, एक बाधा रहे एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे ताकि लोगों को वोट डालने में कोई दिक्कत ना। जहाँ पे दिव्यांग मतदाता पोलिंग स्टेशन हर एक विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा और जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र है तो चारों में 5-5 हम मिनिमम लेवल पे 5-5 हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा करने की रहेगी। हम आदर्श मतदान केंद्र बनाएंगे जिसका एक प्रारूप बहुत ही जल्द अगले 10 दिनों में जिले के हेडक्वार्टर में हम बनाएंगे। उसी तरह से आदर्श मतदान केंद्र हर जगह बनाया जाएगा। इलेक्शन जैसा कि हम सभी जानते हैं इस बार वीवीपैट मशीन के साथ होगा। वीवीपैट मशीन और ईवीएम दोनों की रैंडमाइजेशन की जाएगी, पॉलिटिकल पार्टी और आप लोगों के सामने ही की जाएगी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, इस तरह से बिल्कुल विदाउट डाउट। महाराज अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत हुआ प्रतियोगिताओं का आयोजन। अग्रवाल समाज द्वारा महाराज अग्रसेन जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है जिसके तहत प्रतिदिन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इसमें मूर्ति बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया जिसमें समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्या नाम है आपका? अध्यक्ष श्रीमती हमलता। आदर्श आचार संहिता लगते ही प्रशासन हुआ सख्त, वाहनों पर की चालानी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में कल से आचार संहिता लागू हो चुकी है जिसके बाद पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है जिसके तहत एवी रोड पर वाहनों में लगे काले शीशे व पॉलिथीन हटाई गई। वाहनों पर लगे राजनीतिक दल के झंडे व निशान भी हटाए गए। आज निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में चुनाव घोषणा कर दी गई है और आज से पूरे प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी हो गई है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर के निर्देश पर गुना विधानसभा अंतर्गत आज विभिन्न मामलों में कार्रवाई की जा रही है। अभी यहाँ पर पूरे जो नगर में संपत्ति विरूपण के तहत फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर, सभी राजनीतिक दलों के झंडे, बैनर, पोस्टर, बड़े बड़े विज्ञापन लगे हुए थे जिनको जब्त करके कार्रवाई की गई है। साथ में जितने भी वाहन निकल रहे हैं उन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और इन वाहनों में किसी प्रकार से उनका नाम पदनाम ऐसा कुछ लिखा हुआ है और मोटर लगे हुए हैं या
और भी इस प्रकार उनका मोटर व्हीकल का दुरुपयोग किया जा रहा है तो उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। गुना चंदेल चढ़ा समाज की पूरी समिति के द्वारा भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री राधेश्याम पारिक को आने वाले विधानसभा चुनाव में गुना से प्रदीप चंदेल को टिकट दिया जाए इसी को लेकर आवेदन समाज बंधुओं ने दिया। समाज बंधुओं का कहना है कि हमारी समाज 80% भाजपा के लिए समर्पित है। उनकी समाज राजनीति में बहुत ही पिछड़ी हुई है और न ही आज तक उन्हें विधायकी का टिकट मिला है। इस बार सभी समाज बंधुओं ने एकत्रित होकर सौंपा ज्ञापन ताकि गुना विधानसभा क्षेत्र से समाज के जिला मीडिया प्रभारी प्रदीप चंदेल को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए। श्याम पारिक जी जिला अध्यक्ष महोदय भाजपा से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे सारे समाज के लोग। हमारे समाज के लिए आज तक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से किसी से हमें वोट डालते आ रहे हैं, लेकिन हमें समाज की स्तर से आज तक हमें पार्टी ने नेतृत्व के रूप में किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। इसलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राधेश्याम पारिक जी के पास आए थे और एक आवेदन उनको सौंपा है जिससे हमारे समाज के लिए हमारे प्रत्याशी प्रदीप सिंह चंदेल को टिकट की मांग की है, जिसके लिए हम सभी समाजवासी मिलकर उन प्रत्याशी को निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तन मन धन से हम उनका सहयोग करेंगे। इसी आधार पर उनके मध्यस्थ से आज मुलाकात की और उनको ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हमारे लिए आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात को प्रदेश स्तर तक पहुँचाएंगे। केदारनाथ धाम सेवा मंडल द्वारा शुरू की गई निःशुल्क भोजन व्यवस्था। बड़ा पुल के पास काली मंदिर के सामने केदारनाथ सेवा मंडल द्वारा गरीब बेसहारा लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। आज वृद्धाश्रम के वृद्ध लोगों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया जिसमें गरीब बेसहारा लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। तो लोग भोजन यहाँ पर करने आते हैं, रही बार चलेगा, सब लोग यहाँ पर भोजन करने आए। आज वृद्धाश्रम से वृद्धजनों ने इसका उद्घाटन किया या निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार के काम का वीडियो बनाने के लेकर ठेकेदार ने किया अभद्र भाषा का प्रयोग। बता दें कि जागर क्षेत्र में इन दिनों मरगट के पास एक सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है जो कि बहुत ही घटिया किस्म का है। जब उसकी पड़ताल करने पहुंचे हमारे मीडिया कर्मी तो वहां पर मौजूद ठेकेदार उसके कर्मचारियों ने पत्रकार के साथ बदतमीजी की। उक्त पत्रकार ने अपनी आईडी कार्ड भी दिखाया तो वह भी उन लोगों ने उससे छीन लिया। पत्रकार ने तत्परता दिखाते हुए डायल 100 को सूचना दी तो वह भी तकरीबन आधा घंटा देर से पहुंची। इस बीच में पत्रकार वहीं डटे रहे। हालांकि इस बात की सूचना पुलिस को दे दी गई है, लेकिन सोचने लायक बात यह है कि जब इस तरह की मनमानी कर रहे ठेकेदार पर लगाम लगाने के लिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार समूह कोई पत्रकार पहुंचता है तो वह ठेकेदार उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। वहीं यह मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी कई अधिकारियों पर इसी तरह की मनमानी और गलत काम करने वाले ठेकेदारों ने जानलेवा हमले किए हैं। अब देखने लायक होगा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन इस तरह के लोगों पर कार्रवाई करता है।
भडोदिया रोड पे भी आज जब भी रोका जब भी तुमने गाड़ी नहीं रोकी है। झागड़ से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। कमला गैरेज के सामने लगने वाली झांकी में इस बार दर्शकों को देखने को मिलेगी 26 फीट का हनुमान जी। को बता दें कि कमला गैरेज के सामने झांकी पिछले 30 वर्षों से लगती आ रही है। यह झांकी बड़े ही आकर्षक रूप से लगाई जाती है, जिसको देखने बड़ी संख्या में नवरात्रि में श्रद्धालु पहुंचते हैं। समिति के सदस्यों ने हमें बताया कि इस बार श्रद्धालुओं को 26 फीट के हनुमान जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, जिसका निर्माण कार्य झांकी स्थल पर ही किया जा रहा है। नहीं आ रहा है, चलते फिरते ही आओगे तुम, चलते फिरते आओ न्यूज क्यों हो। डीजी आना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।